हेलो एवरीवन, यूट्यूब सब्सक्राइब एनिमेशन कैसे बनानी है VSDC का यूज़ करके, ये तो आप देख ही चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब्सक्राइब बटन एनिमेशन और अपने चैनल के लिए बैनर आप कहाँ से चूज़ करें और कैसे बनाएं। सबसे पहले तो यूट्यूब सब्सक्राइब एनिमेशन के लिए आप गूगल पे ही सब्सक्राइब एनिमेशन बटन पे क्लिक जाके सर्च करें और बहुत सारी आपको ऐसी ही प्री प्री मेड वीडियोज़ मिल जाएंगी ग्रीन स्क्रीन बैनर के साथ, जिसको कि आप अपने VSDC वीडियो एडिटिंग टूल में क्रोम की का यूज़ करके बहुत ही अच्छी और सुंदर एनिमेशन बना सकते हैं। अगर आप उसमें टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे तो आपकी पर्सनल अपने नाम की वीडियो भी बन जाएगी। अगर हम यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्री सब्सक्राइबर्स वीडियोस, एनिमेटेड यूट्यूब बटन, सब्सक्राइब बटन टेम्पलेट। ये सब टेम्पलेट्स पहले से ही बनी हुई हैं, ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन के साथ भी मिलेंगी आपको और बिना ग्रीन स्क्रीन के भी मिलेंगी। लेकिन मेरी आपको यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप ऐसी वाली ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन के साथ वाली ही चूज़ करें, ताकि उसे आप अपने यूट्यूब बैनर के ऊपर ही पेस्ट कर सकें। जैसे मैंने अपने इंजॉय वॉचिंग वाले यू चैनल के ऊपर आपको पेस्ट करके अपनी वीडियो ट्यूटोरियल में नीचे दिखाया था। अब हम बात करते हैं YouTube के लिए आप बैनर कहाँ से बनवा सकते हैं। YouTube बैनर के लिए एक सबसे अच्छी साइट है कैनवा। अगर आप कैनवा पे जाते हैं तो यहाँ पे आप डिस्कवर करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप लोगो, पोस्टर सब कुछ बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं जैसे कि YouTube बैनर, YouTube चैनल आर्ट, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। ये देखिए YouTube, यहाँ पे आपको दिखेगा YouTube चैनल आर्ट, YouTube डिस्प्ले ऐड, YouTube आइकन, थंबनेल, म्यूजिक थंबनेल, फूड थंबनेल। अब हम चाहते हैं कि हम बनाना चाहते हैं YouTube बैनर, या फिर हम YouTube चैनल आर्ट पर ही क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ पे बैनर इसको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही हम YouTube चैनल आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसने हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स दे दिए हैं। जैसे ही ये टेम्पलेट्स आपके खुलेंगे, आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे प्री सेट टेम्पलेट्स हैं जो कि आप अपने चैनल के नाम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो नया भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूज़िक यूट्यूब चैनल के लिए पहले से ही इन्होंने प्री सेट यूट्यूब आर्ट बना रखी हैं चैनल के नाम से, या फिर आप देखेंगे नीचे कि ये ब्यूटी चैनल के नाम से भी दे रखी हैं, ट्रैवल के नाम से भी दे रखी हैं। मान लीजिए कि और नीचे देखते हैं हम, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मान लीजिए हमें ट्रैवल ब्लॉग के ऊपर बनाना है, तो जैसे हमने ये बस सिलेक्ट करी, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं उसमें। मान लीजिए अपने ये सिलेक्ट करा, उसमें द कनेगी ब्रदर्स, यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं। ब्लॉगिंग अवर लाइफ ऑन द रोड की जगह आप लिख सकते हैं कि भाई जैसे भी आपको इसे सेट करना है आप ऐसे कर सकते हैं। ब्लॉगिंग अवर लाइफ ऑन दी रोड की जगह आप लिख दीजिए कि मेरी ज़िंदगी ही ब्लॉगिंग है, या कुछ भी। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप और फोटोज़ भी चूज़ कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो भी चूज़ कर सकते हैं, और कुछ आपको लगाना है तो वो भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे जैसे कि मान लीजिए आपको माउंटेन सर्च करना है तो माउंटेन भी आ जाएगा, फिर आप उसे अपनी चैनल आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम हैं यहाँ पे और कुछ यहाँ पे फ्री हैं, सर चीज़ें फ्री की ही मिल जाएंगी। ये हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में आप इन्हें एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी ये एलिमेंट ऐड करा है, तो ये ऐसे ये लोग डांस कर रहे हैं, आप ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपने इसे डांस करने के लिए रख दिया, ये व्लॉगिंग चैनल की जो आर्ट बनेगी ऊपर ये हो जाएगी। यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने ये ऐड करा है चिल, तो ये यहाँ पर आ गया। ऐसे करके आप इसे ऐड कर सकते हैं, इसे आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे ये मेरे पास दो आ गए, तो मैंने सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करा तो ये डिलीट भी हो गया। ऑडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो यूट्यूब बैनर के लिए सही नहीं रहती है क्योंकि वो ऑडियो शो कर ही नहीं पाता है। अभी अगर हम यहाँ टेम्पलेट्स पे जाएँ या एलिमेंट्स पे जाएं तो बहुत सारे और एलिमेंट्स भी आते हैं जिनका आप यूज़ करके अपना यूट्यूब चैनल का जो बैनर है वो आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे कि ये स्टिकर्स हैं, ये जो हैं लाइव स्टिकर्स होते हैं, जैसे कि आप देखें कि ये पार्टी वगैरह वाले स्टिकर्स हैं। जैसे कि ये डांस कर रहे हैं तो हम इसे इनके ऊपर भी लगा सकते हैं,
फिर उसको रीसाइज कर दीजिए। ऐसे करके आप अपना YouTube बैनर भी बना सकते हैं। बहुत आसान होता है गाइज YouTube, और उसको आप अपने YouTube चैनल में फिर आप यूज़ कर सकते हैं।